प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वार्षिक परीक्षा 2022 हेतु कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय के मोस्ट आईएमपी प्रश्न। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय के मोस्ट आईएमपी प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे कि आपके कक्षा अंग्रेजी विषय के पेपर में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये 100% परीक्षाओं में आने वाले हैं। तो चलिएगा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय में से कितने इतने प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल पूछे जाने हैं। आज मैं आपको कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय के पूरे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखकर जरूर जाइएगा, जिससे कि आपको संपूर्ण चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, पर वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे कि आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंग्रेजी विषय के मोस्ट टाइम पे प्रश्न कौन कौन से जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ध्यान रहे विद्यार्थियों, मैं आपको प्रश्न के साथ में उत्तर भी बताने वाला हूं, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए प्लीज पूरा वीडियो देखकर जरूर जाइएगा, जिससे कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ सके। तो चलेगा बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय में से कौन से ऐसे प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। चलेगा वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि अंग्रेजी विषय के मोस्ट टाइम पे प्रश्न कौन कौन से हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल पूछे जाएंगे। चलेगा वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये वाला जो पैसेज आप देख रहे हो, या आप इसको याद कर ले अच्छे से, और इसके जो क्वेश्चन हैं इनको भी आप देख ले। ये वाले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये बिल्कुल आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। तो और आगे अगर देखा जाए तो आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको ये देख लेना है डूएस डायरेक्टेड वगैरह, यहाँ से आपको डूएस डायरेक्टेड ये वाले सीख लेने हैं। तो पूरे के पूरे आप इनको देख सकते हो, इनके आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए प्लीज़ पूरा वीडियो देखकर जरूर जाइएगा। तो ये इनके आंसर है दोस्तों। और आगे बात की जाए सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में आपसे नोट मेकिंग समरी पूछी जाएगी। तो आप इस के ऊपर नोट मेकिंग समरी बनाना सीख लें, तो इसके ऊपर आप नोट मेकिंग समरी को बनाना सीख लीजिएगा, बिल्कुल आपसे इस प्रकार से पूछी जाएगी। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। तो आगे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ प्यारे विद्यार्थियों कि ये सेक्शन सी का मटेरियल मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आगे मैं आपको बता दूँ, तो देखिएगा यहाँ से कुछ पैसेज हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक ये वाला पैसेज है महाराणा प्रताप वाला, आप इसको बिल्कुल याद कर लें। तो ये जो है आपके सेक्शन डी में आपको देखने को मिल सकता है। ये कुछ क्वेश्चन तीन इसमें से पूछे गए हैं, तीन चार पाँच जो भी क्वेश्चन है, आप लोग इन क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पर इनके आंसर दिए गए हैं, आप इनको देख पा रहे हो। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा बना लेना है। और यहाँ पर देखा जाए तो सेक्शन सी में आपको ग्रामर दी जाएगी, तो उसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का। और अगर एप्लीकेशन की बात की जाए आपके लिए कि मोस्ट एप्लीकेशन आपकी परीक्षाओं में कौन सी है, तो देखिएगा एक तो एप्लीकेशन ये है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 3 डेज लीव। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेनी है, ये एप्लीकेशन आपसे बिल्कुल परीक्षाओं में पूछी जाएगी। तो आप पूरा इसको इस एप्लीकेशन को इस प्रकार से लिख सकते हो, पूरा वीडियो देखकर जरूर जाइएगा, मैं आपको प्रश्न के साथ में पूरा उत्तर भी बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ से इसका उत्तर है पूरा का पूरा, यहाँ तक का आप पूरा इसको यहाँ से लिख सकते हो और नीचे आप देख पा रहे हो, और आगे भी कुछ दिया गया है और उसी के नीचे ये लेटर है दोस्तों। तो आप इस एप्लीकेशन को जरूर याद कर लेंगे और उसी के नीचे आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे कुछ और चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि मैं आपको बता दूँ ऐसे राइटिंग, तो ऐसे राइटिंग में आपको वैसे वंडर ऑफ साइंस का अच्छे से याद कर लेना चाहिए। वंडर ऑफ साइंस का निबंध बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो ये जो ऊपर निबंध बता रहा हूँ इसकी अपेक्षा वंडर ऑफ साइंस का निबंध अच्छे से याद करेंगे तो बेहतर रहेगा। वैसे यहाँ पर मैंने वंडर ऑफ साइंस का निबंध शामिल नहीं किया, अगर आपको वंडर ऑफ साइंस का निबंध चाहिए हो तो इधर एक आई बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप वंडर ऑफ साइंस का निबंध वहाँ से नोट कर सकते हो। तो पूरा आप इसको देख लीजिएगा और आगे बात करते हैं। तो ये नोट मेकिंग समरी वगैरह, अगर आपको नोट मेकिंग समरी बनाना भी नहीं आती हो तो आप इधर एक आई बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप नोट मेकिंग समरी भी बनाना सीख सकते हो। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ देखते हैं कि किस प्रकार से आपको कुछ क्या करना है। तो देखिएगा आगे है कि ये वाला जो पैसेज दिया गया है आपकी परीक्षाओं में, आप इस पैसेज को बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोग इनको देखें और ये इनके आंसर है। तो बस यही वाला पैसेज आप यहाँ से हल करना सीख लीजिएगा, ये आपसे परीक्षाओं में बिल्कुल पूछा जाने वाला है। और आगे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, एक पोएम ज़रूर आएगी तो वो पोएम भी देख लेते हैं कि कौन सी है जो कि आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछी जाने वाली है।
तो देखिएगा यहाँ से इस जगह से आपको ये मैंने बता दिया है और इस जगह से यहाँ से शुरुआत होती है आपके क्वेश्चन आंसर की। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आंसर है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इन क्वेश्चन आंसर को जरूर बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हाउ ओल्ड वाज एल्विन वैन सीवेंट गो टू रॉयल एकेडमी। तो ये वाला आंसर ये है और उसी के नीचे ये वाला क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इनको जरूर अच्छे से तैयार करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर दो दिया गया है, वैन वाज एल्विन डिफिनेस नोटिस और बाय होम वाज। तो इस प्रकार से आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से याद कर लेना है। बिल्कुल आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में ये क्वेश्चन और उनके उत्तर आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग इनको अच्छे से नोट कर लें। और इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हो, व्हाट वाज एल आइंस्टाइन हाईली गिफ्टेड। तो ये वाला क्वेश्चन जो दिया गया इसका आंसर आप अच्छे से याद करेंगे। और उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, देखिएगा बहुत ही सरल क्वेश्चन ये दिए गए हैं, आप यहाँ से इनको देख सकते हो, ही हैड इट 4 times। तो देखिएगा, और उसी के नीचे यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग इनको नोट कर सकते हो, पूरा इनको यहाँ से लिख सकते हो। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आप यहाँ से इनको नोट कर लीजिएगा और इनको लिख भी लीजिएगा। आगे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हुइज मारिया शारापोवा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि मारिया शारापोवा इज रशियन टेनिस प्लेयर, ये आपको यहाँ से याद कर लेना है। और उसी के नीचे यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इन प्रश्न उत्तरों को जरूर बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेंगे, जिससे कि आपकी तैयारियाँ अच्छे से हो सके। और चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपसे कविता भी पूछी जाएगी, तो एक पोएम है ये वाली पोएम आपको अच्छे से देख लेनी है और इसको याद भी कर लेना है। तो ये वाली पोएम जो आपको दिखाई दे रही है ये इनके आंसर है, तो पूरी की पूरी पोएम आप यहाँ से याद कर सकते हो। तो ये था दोस्तों आप सभी के लिए वार्षिक परीक्षा 2022 हेतु मोस्ट टाइम पे प्रश्नों के ऊपर एक वीडियो, जो कि मैंने आप सबको पूरा बता दिया है। और अगर दोस्तों पोएम वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको क्या करना, देखिएगा यहाँ से आपको ये वाले क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ पोएट्री में से, ये वाले क्वेश्चन के ऊपर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसी के नीचे यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन है और ये इनके आंसर है, तो आप सभी लोग इनको नोट कर लेंगे, आपसे परीक्षाओं में बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ में मैं आप सबको वार्षिक परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार।